अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने महकुमा इम्तनाई और एक्साइज के साथ मुश्तरिका कार्रवाई की और हैदराबाद के प्राइवेट अस्पतालों में नशा आवर अद्वियात और साइकोट्रैपिक मादों की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और फरोख्त का पर्दाफाश किया। इन अस्पतालों में बाकुबन अस्पताल चंद्रायन गुट्टा और बीवी के रेड्डी अस्पताल वारसीगुड़ा बुद्ध नगर सिकंदराबाद मुश्तरिका कार्रवाई के दौरान फेडाइनल इंजेक्शन, केडामाइन के इंजेक्शन और मेडाजोलम इंजेक्शन समेत नशा आवर अद्वियात और साइकोट्रैपिक मादों का भारी जखीरा जब्त किया गया। The drug name is ketamine hydrochloride injection. మన దాంట్లో ఇదే ఉంటుంది. ketamine is not this anything. पूरा हैदराबाद घूम रहे बिना लाइसेंस लेके ढूंढे। नाज़रीन-ए-किराम, ये सीसीटीवी फुटेज है पंजा गुट्टे का। जुमा यानी आज पंजा गुट्टे की नागरजुना सर्कल में गाड़ी की जांच के दौरान पकड़े जाने के डर से फरार होने की कोशिश के दौरान एक कार सवार ने होमगार्ड को टक्कर दे दी और टकराने के बाद वो जख्मी हो गया। जख्मी होमगार्ड की शिनाख्त रमेश के तौर पर की गई है। वाकया उस वक्त पेश आया जब पुलिस की टीमें ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों का मुआयना कर रही थी, जिनमें खिड़कियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म भी शामिल थी। पुलिस ने कार ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद सैयद के नाम से हुई है और मजीद तफ्तीश जारी है। आज विजयवाड़ा श्रीसलम सी प्लेन सर्विस के लिए टेस्ट रन के लिए एक तैयारा विजयवाड़ा के पनामी घाट पर उतरा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू कल विजयवाड़ा से हवाई जहाज के सफर का जायजा लेने सवार होने वाले हैं। एपी एयरपोर्ट से डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एपीएडीसी ने प्रकाशम बैराज के एपिस्ट्रेम पर समुद्री जहाज के लैंडिंग और टेक ऑफ बर्थ पर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, बैठने के इंतजाम और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त किया है।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के कारकुनों ने एक बड़ी क्रेन के मदद से दूध से उनकी तस्वीर को नहलाया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने साबिका कॉरपोरेटर और पार्टी के सीनियर लीडर पद्मा की अयादत की, जो कमर की सर्जरी के बाद अब सेहतियाब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद सदर जो बाइडन का पहला खिताब, कहा पुरअमन तरीके से होगी इख्तदार की मुंतकली। सबकदोश होने के वाले अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबात के बाद पहली बार अमेरिकी आवाम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी इंतखाबी निज़ाम के सालमियत से मुतालिक सवाल अब खत्म हो गया है। ये ईमानदार, मुनसिफाना और शिफाफ है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे जीत हो या फिर हार। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को हम अमेरिका में पुरअमन तरीके से इख्तदार मुंतकिल करेंगे। हमारे तमाम नाकाबिल यकीन अमले, हामियों, काबिना के अराकीन, हर एक का शुक्रिया जो पिछले 4 सालों से मेरे साथ रहे हैं। बाइडन ने कहा कि कल मैंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, मैंने उन्हें इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने भी यकीन दिलाया कि मेरी पूरी इंतजामिया, उनकी टीम उनके साथ मिलकर काम करेगी और अमेरिका की आवाम भी यही चाहती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की 55वीं सालगिरह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर शख्सियात की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी और रियासती वजरा समेत दीगर शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में रेवंत रेड्डी की सेहत और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि उनकी क्यादत में तेलंगाना तरक्की की नई राहें तय करेगा। मरकजी वजरा और रियासती कायदीन ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। फिल्म स्टार चिरंजीवी और दीगर शख्सियात ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को उनकी 55वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वजरा के अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी रेवंत रेड्डी की ने ख्वाहिशात पेश की और उनके साथ मिलकर रियासत की तरक्की का अज़्म का आहदा किया। पार्टी कारकुनान ने रेवंत रेड्डी को और भी बहुत सारी मुबारकबादें पेश की। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अज़हर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।